नमस्कार, मैं हूं नाजिया शेख और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गोज दिल्ली तक। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिवाली के बाजार की। दिवाली केवल रोशनी और पूजा पाठ का त्यौहार नहीं है, बल्कि खरीदारी और बाजारों की रौनक से भी जुड़ी है। यह वही समय होता है जब हर गली हर बाजार जगमगाने लगता है और लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ, उपहार और सजावट के सामान खरीदारी में जुट जाते हैं। हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ और खरीदारी का जोश साफ नजर आ रहा है। मिठाई की दुकानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम तक हर जगह ऑफर और डिस्काउंट की बहार छाई हुई है। बच्चों के खिलौने, पटाखों की रंग बिरंगी रेंज और घर की सजावट के नए ट्रेंड्स, ये सब इस त्यौहार को और खास बना देते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिवाली का समय साल का सबसे बड़ा मौका होता है, क्योंकि उनकी कमाई इसी सीजन में आसमान छूती है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं दिवाली के इस उत्सवी बाजार की एक खास झलक। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद मुअज्जम की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के भोगल मार्केट में। आपको हम दिखला दें कि यहाँ पे पीछे हमारे पीछे जो डेकोरेशन का जो सामान होता है वो भी है, और साथ ही मार्केट जो लगी हुई है बहुत लंबी मार्केट लगी है, आगे तक लगी हुई है मार्केट। आपको दिखा दें कि इधर पूरी जो घर में जो डेकोरेशन के जो सामान होते हैं सारे ही बिक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है जो डेकोरेशन के सामान होते हैं जो घर में उपयोग किए जाते हैं जो सजाने के लिए। और यहाँ पे दिखा दें कि जो बच्चों के खेलने के लिए भी ये प्लास्टिक के गन है, साथ में आप देख सकते हैं कि इधर देख सकते हैं कि प्लास्टिक के गन भी है जो क्रैकर्स में यूज़ होते हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में फटाके बैन है तो बच्चे इससे ही संतुष्ट है, इसलिए ये बिक भी रहे हैं। जो लोग लेना भी चाहते हैं कि पोल्यूशन फ्री की बात करें, पोल्यूशन जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उसके बावजूद ये बिक रहे हैं, लेकिन कम है, इसमें पोल्यूशन होते नहीं है और नॉर्मली जो आवाज़ आती है स्पार्क वाली वही है। और भी मैं आपको दिखला दूँ कि यहाँ पर चहल पहल के बीच यहाँ पर आपको मैं दिखला दूँ कि यहाँ पर सामान बिक रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुरमुरे हो, यहाँ पे जो सामान है मैं आपको दिखा दूँ। क्या बेच रहे हैं? प्रसाद बेच रहे हैं। तो ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो कितना, और जो पीछे मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो वो भी बिक रहे हैं? सब बिक रहे हैं। सब बिक रहे हैं। हाँ, धनतेरस के मौके में लग रहा है कि आज सबसे ज़्यादा सेल होने की उम्मीद है। हाँ, धनतेरस होती हर साल होती है। तो पिछली दफा की और अब की बार क्या फ़र्क है? इसमें क्या फ़र्क होना है? मतलब पिछली दफ़ा कैसा सेल था, इस दफ़ा कैसा सेल है? नहीं, ये साल में एक बार त्यौहार आता है हिंदुओं का जी। तो ये बड़ा त्यौहार माना जाता है जी। तो इसमें सेल जितनी पिछले साल होती है उतनी इस साल भी होगी जी। हाँ। इस साल भी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है। उम्मीद ज़्यादा है? हाँ। इस साल उम्मीद ज़्यादा है, धनतेरस असली कल की है। ये आज बाजार लग रहा है ना, मंगल बाजार, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ भाड़ है। ये मंगल बाजार की वजह से भीड़ लगा हुआ है? हाँ, जो इससे ज़्यादा कल दिखे। हाँ, जो बढ़िया ग्राहक है वो आज आ नहीं पा रहा, नहीं तो कल ऐसे सब माल डी एंड, कल सारा माल डी एंड हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, मतलब इतना कल सेल होगा। हाँ, दबा के। और भी हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या है, इस दफा कितना सेल है उनकी मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखा दूँ कि पीछे की साइड यहाँ पे मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, और साथ ही ये देख सकते हैं कि मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पे लोग भी हैं, ग्राहक भी है। मैम, आप यहाँ पे खरीदने आई हैं तो कैसा लग रहा है कि बाजार में कैसा माहौल है? उनसे पूछ लो आप। माहौल फिर भी अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक है, माहौल अच्छा है। अच्छा ही है, ज़्यादा चहल पहल है। बिल्कुल। और भी हम लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसा माहौल है, और महिलाएं जो आ रही हैं फिर जिज्ञासा है। मैम आप यहाँ पे मार्केट में आई तो कैसा चहल पहल है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी। तो मार्केट में चहल पहल के बावजूद बहुत सामान है खरीदने के लिए, तो कितना सामान खरीद? अब ज़रूरत के हिसाब से तो खरीद ही चुकी हूँ जी। ज़रूरत के हिसाब से जी। और सामान कैसा, सस्ता है कि महंगा है? अब सामान तो हर साल से महंगा ही है भैया। मतलब महंगा है? महंगाई तो बढ़ ही रहा है। महंगाई की मार घरों तक भी जा रही है? बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, घरों तक भी है महंगाई जी। यहाँ पे हमने कुछ महिलाओं से बात किया तो उनका कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई की मार घरों तक भी पहुँचे, क्योंकि मार्केट में जो सामान खरीदने हम जा रहे हैं वो दुगने दामों में मिल रहे हैं। और कुछ और महिलाओं से हम बात करने की कोशिश होगी कि उनके साथ क्या है और किस रेट पे सामान उनको मिल रहा है, और भी लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश रहेगी। आप ये बेच रहे हैं तो कैसा है माहौल? हाँ, चल रहा है ग्राहक, होल होल बिक रहे हैं कि नहीं? हाँ, खूब बिक रहे हैं। खूब बिक रहे हैं, और क्या। कितना
कितना कितना है अभी तक? जैसा भीड़ होना चाहिए वैसा है कि कम है? कम है अभी, अभी कम है। क्यों ऐसा क्यों? मंगल बाजार है ना, बाजार की वजह से तगड़ा लगना चाहिए, ग्राहक महंगाई की वजह से कम। मंगल बाजार के बावजूद फिर हल्का क्यों है? 800 के दिन तो और ज्यादा लगना चाहिए। महंगाई की वजह से भाई, मतलब महंगाई की मार आप भी झेल, और क्या सब झेलना पड़ेगा, सब झेलना पड़ेगा और क्या, आप भी? हाँ जी हाँ जी, सभी झेल रहे हैं इसमें तो, मतलब आप भी झेल रहे महंगाई की मार। बिल्कुल झेलनी पड़ेगी, जनता में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो झेलना पड़ेगा, महंगाई की मार झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि महंगाई की मार सब लोगों को झेलना पड़ेगा, और भी हम लोगों से बात करेंगे कि उनके और जो मार्केट में जो सामान है वो बिक भी रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट की बात करें तो स्टील हो या और भी जो तमाम आइटम यहाँ पे जो गिफ्ट की जो आइटम होते हैं वो भी लेते हैं, और धनतेरस के मौके पर घर में यूज़ किए जाने वाले जो बर्तन होते हैं, नए नए बर्तन हो गए या ज्वेलर्स हो गए, तमाम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भैया हैं, उनसे थोड़ा जानने की कोशिश होगी कि आप यहाँ पे स्टॉल लगा के लगे हुए हैं तो कैसा मार्केट में रश है? रश तो है और लेने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पूछने वाले ज़्यादा हैं। पूछने वाले ज़्यादा है, क्यों ऐसा क्यों है कि पूछने वाले ज़्यादा है? महंगाई आपके ऊपर भी महंगाई की मार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों, आप तो यहाँ पे ग्रोसरी की आइटम जो होती है जो घरों में जो किचनों में जो यूज़ होते हैं वही है सर? लोगों के पास उस तरह से पैसा नहीं है जैसे पहले, पिछली बार था सर, महंगाई के चक्कर में कम ले रहे हैं, महंगाई की मार की वजह से कम ले रहे हैं। हाँ कम ले रहे हैं लोग। तो क्या आज मंगल बाजार है, क्योंकि आज मंगल बाजार के दिन लगती है मार्केट, तो वैसी भीड़ है कि कम भीड़ है? नहीं अब भीड़ बढ़ेगी, शाम तक बढ़ेगी, शाम तक भीड़ बढ़ेगी। धनतेरस के मौके पे भी लोग निकल रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, बाजारों में उत्साह भी है कि चहल पहल भी है, वैसा है कि नहीं? हाँ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, शाम से 5-1 बजे से धीरे धीरे बढ़ने लगी, और ये शाम तक 10-11 बजे तक रहेगा ऐसा, 10 से 11 बजे तक रहेगा। हाँ हमने यहाँ एक बर्तन की दुकान में हमने बात की तो उनका कहना है कि महंगाई की मार तो है लेकिन 10-11 बजे फिर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी 10-11 बजे तक, और भी हम लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक सेल लगी हुई है और यहाँ पे कम्बल भी बिक रहे हैं, अब ये बेच रहे हैं तो ग्राहक आ रहे कि नहीं आ रहे? सर कस्टमर बढ़िया आ रहे हैं, इसी कोई बात नहीं है जी। हाँ अपनी बिक्री बढ़िया सो रही है, बिक्री बढ़िया सो, हाँ बिक्री बढ़िया सो रही है, बाजार भी अच्छा से चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लोग आ रहे हैं, सस्ता खरीदने वाले आ रहे हैं कि महंगा खरीदने वाले? सर बाजार में तो सस्ता ही बिकता है, जैसे जब दुकान में जो 500 मिलता है बाजार में 250 मिलता है, तो इसी हिसाब से ज़्यादा लोग बाजारी करते हैं जी। हाँ जी, तो अभी मंगल बाजार भी है आज, तो भीड़ वैसी है कि कम है? नहीं भीड़ आज तो फिलहाल कम है, भीड़ आज कम है, धनतेरस का भी फेस्टिवल है तो उस मौके पर और ज़्यादा होना चाहिए, वैसा है नहीं? सर हर चीज़ का समय परिवर्तन होता जाता है, इस तरह से लोग ऑल सीजन ही घर ही मना लेते हैं कम, हाँ भीड़ भाड़ कम हो रही है इस समय। हाँ हमने बहुत लोगों से बात की, उनका कहना है कि महंगाई की मार तो है लेकिन महिलाएं जो घर से निकलती है वो कम निकल रही है, अब मंगल बाजार के बावजूद आज लोग निकले नहीं है मार्केट में, और उनका कहना है कि जो लोग नहीं निकलेंगे तो हम लोगों का कैसे बिकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़ दिल्ली। तो इस तरह दिवाली का बाजार सिर्फ खरीदारी कर रही बल्कि खुशियों को बांटने और रिश्तों को और मजबूत करने का मौका भी होता है। हर कोई अपनी पसंद का कुछ न कुछ लेकर लौटता है और साथ में ले जाता है दिवाली की खुशियों की चमक। हम उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली आपके घर में भी खुशियों और समृद्धि की रोशनी फैले।